संपर्क। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप के साथ और पार्ट है 74। अब सबसे पहले तो कुछ सूचनाएं अच्छी सी। ये जो हमारा पार्ट है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था और काफ़ी इसको आप सबका प्यार मिला, अब वापस से इसको आगे बढ़ाना है और बहुत अच्छे से बढ़ाना है। कुछ परिवर्तन भी किए हैं, कुछ नई नई चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी और कुछ यूनिक चीज़ें। आप सब तो जानते ही हैं, रिकॉर्डिंग क्लब तो यूनिक यूनिक काम करने के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें भी हम प्रयास यही करेंगे कि कुछ यूनिक करें, कुछ नया करें। तो बहुत सारे कारण होते हैं साथियों, इस एक्सेसिबिलिटी सीरीज़ में हमारे बहुत सारे नए नए साथी भी आए और कुछ साथी अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ साथी आने वाले समय में भी आएंगे। लेकिन हम हमेशा सबका स्वागत करते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के साथ। आप अगर लंबे समय तक लगातार काम करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत पारंगत समझते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। आप अपने वीडियोस या ऑडियो कुछ भी भेजिए, हम हमारे इस वर्कशॉप में उनको प्रसारित करेंगे, जैसा कि बहुत सारे साथियों के हम करते रहे हैं। मुझे याद है कि नवंबर 2019 में ये सीरीज़ शुरू की थी और साथियों हमने शुरू की थी इस सीरीज़ को सैमसंग M30S के साथ में। जी हाँ, जो मेरा अपना फ़ोन हुआ करता था। लेकिन आज वर्कशॉप दरअसल लेकर के आने का कारण यही है कि कुछ ऐसी बातें जो शायद आप में से बहुत लोगों के काम आ सकती हैं। 22 जून को मेरा जो फ़ोन है, रात को लगभग 10 बजे के आसपास जब मैं व्हाट्सएप चला रहा था, चलते चलते अचानक बंद हो गया। रीस्टार्ट हुआ, लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद में सैमसंग गैलेक्सी M30S, बस इतना ही उसमें लिखा हुआ आ रहा था और कुछ नहीं। बार बार हर तरीके से मैंने कोशिश की, चार्ज भी किया उसको और उसको सेफ मोड में भी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत जानते हैं दोस्तों आप, परेशानी हो जाती है ऐसे में। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। वो फ़ोन जो बहुत साथ दे रहा था मेरा और जिसको मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा था और जिस फ़ोन से काफ़ी काम किए, 128 GB की मेमोरी में से लगभग 100 GB की मेमोरी उसमें फुल थी। ये सब बातें देखते हुए ना बड़ा, मतलब एक धक्का सा लगा, यार ये ऐसा कैसे हो सकता है अपने साथ। लेकिन होने को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बस यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या कर सकते हैं। शायद जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें। और पहली बात तो ये कि किसी के साथ ऐसा हो ही नहीं। तो भाई 22 जून को जब फोन खराब हुआ, कोई भी तरीका काम नहीं आया, तो फिर 23 जून को मैंने उसको दुकान पे डाला। और दुकान पे डालने से पहले मैं सैमसंग सर्विस सेंटर गया यहाँ अजमेर में। उन्होंने मुझे क्लियर कट मना कर दिया कि भाई या तो सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लीजिए या फिर मदरबोर्ड डलवा लीजिए। मैंने कहा डेटा? उन्होंने कहा दोनों ही कंडीशन में आपको डेटा नहीं मिलेगा और हम देख भी नहीं पाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। यानी वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने सिरे से, और इतनी भीड़ की लगभग 1.5 घंटा खड़ा रहने के बाद तो मेरा नंबर आया। और फिर वो कोविड प्रोटोकॉल सारे के सारे, चलिए वो तो खैर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी, और भीड़ के बाद भी 2 मिनट में मुझे फ्री कर दिया उन लोगों ने। फिर मैं किसी एक मतलब प्राइवेट मोबाइल ठीक करने वाले व्यक्ति के पास गया, अच्छी लग रही थी उसकी दुकान, तो थोड़ा विश्वास हुआ, मैंने उसको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, चेक करेंगे हम।
चेक किया, उन्होंने कहा इसमें आईसी डलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, डेटा की बात। उन्होंने कहा अगर हार्डवेयर संबंधित प्रॉब्लम है तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। बस ये एक तरह से दिलासा था, तसल्ली थी। मैंने कहा ठीक है भाई, रखिए आप। और 24 जून को सुबह सुबह उनका फ़ोन आ गया मुझे कि ये जो है वो फ़ोन ले जाइए, आपका फ़ोन ठीक हो गया। अरे मैंने कहा वाह। तो दिन में करीबन 1:30-2 बजे मैं लेकर के आया उस फ़ोन को, और आकर के खाना वाना खाया और बड़ी सुकून की नींद सो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, फ़ोन तो ठीक हो गया। लेकिन शाम को जब मैं 6:30-6 बजे फ़ोन को चला रहा था, फिर से फ़ोन बंद। और इस बार तो पहले जो वो सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ आ रहा था वो भी नहीं लग, इस बार तो लगा कि शायद समस्या और गंभीर है। और मोबाइल ठीक करने वाले ने 2100 रुपये और ले लिए और मुझे कहा कि आईसी रिवॉल्व की है हमने। अब मेरे लिए तो ये सब काम नए थे, पहली बार थे, मेरा कोई भी फ़ोन आज तक इस तरह से ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इस फ़ोन में पता नहीं क्या ऐसा हो गया दोस्तों। भाई साहब अब तो बहुत ही मतलब बुरी स्थिति थी, क्योंकि मैं डेटा भी नहीं निकाल पाया। सोचा तो ये था कि सबसे पहला काम यही करूँगा, डेटा निकालूँगा, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि फ़ोन लेते ही वापस ख़राब हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, फिर वापस अगले दिन 25 जून को दुकानदार को दिया, उसको ठीक करने वाले को, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे। लेकिन इस बार भाई साहब ने कहा कि भाई 3 से 4 दिन लगेंगे, इसका सीपीयू रिपेयर करना पड़ेगा। उन्होंने करीबन 10 से 12 दिन रखा, सीपीयू वीपीयू पता नहीं रिपेयर हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन मेरा फ़ोन चालू नहीं हुआ। और आखिरकार आज भी वो फ़ोन बंद है। हाँ, उसका मदरबोर्ड में डलवा सकता हूँ, फ़ोन चालू हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ किसी भी तरीके से उस फ़ोन का जो डेटा है वो मैं निकाल सकूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब संबंधित और इतना सारा आर्काइव हम लोग करके रखते हैं। तो इसीलिए इच्छा यही थी कि भाई मिल जाए डेटा, कुछ ना कुछ कर लें हम लोग। लेकिन साहब कुछ भी करके कुछ हुआ नहीं। अब जब मेरा ये फ़ोन बंद हुआ तो मेरे पास अपना मोटो E4 Plus जो फ़ोन है, जिससे मैं अभी ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जो कि मैंने दिसंबर 2017 में ख़रीदा था, जिसमें कि एंड्रॉयड 7.1.1 है और सैमसंग में मैं एंड्रॉयड 11 चला रहा था। तो साहब कहने का मतलब क्या है, मैं 11 से कहाँ आ गया, सीधा 7 पे। और उसी दिन से फिर मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ, E4 Plus। अब आप लोगों को दोस्तों कोई तरीका हो मालूम कि मैं अपना डेटा कैसे निकाल सकता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या मदरबोर्ड चेंज होने के बाद, वैसे तो मुझे मालूम है कि कोई चांस नहीं है डेटा निकलने का, लेकिन किसी तरीके से मैं पुराना वाला मदरबोर्ड ले लूँ तो क्या कोई चांस है ऐसा कि हमारा काम हो जाए, हमारा डेटा सुरक्षित मिल जाए हमें। हालांकि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन तक मेरा फ़ोन पहुँच गया और उसके बाद में कुछ सफलता मिली तो वो कहानी भी आप सबके साथ साझा ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मैं इतना ही बताऊँगा, तो आप लोग भी बताइएगा। और आज की वर्कशॉप में कुछ खास ऐसा सीखने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो अनुभव है ज़िंदगी के, तो आप दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नई सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये सब इन्हीं अनुभवों से संबंधित ही है ये सब सीरीज़, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक आपको कंटेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब दोस्तों देखिए, मैंने इस फ़ोन को, मोटो E4 Plus को भी बहुत दबा करके यूज़ किया है, और करीब करीब 2 साल मैंने इसका इस्तेमाल किया। और सोचिए, रिकॉर्डिंग क्लब का काम जो भी है वो सारा मैं करता रहा हूँ इससे, और ये फ़ोन आज भी चल रहा है।
जबकि लगभग इसको 4.25 साल करीब हो गए हैं। और इसका चार्जर ख़राब हुआ, उसके अलावा कोई इसमें दिक्कत आई नहीं। फ़ोन अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक है, यानी साइटेड व्यक्ति तो खैर आसानी से चला सकता है। अपने केस में थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं, जो सॉफ्टवेयर को लेकर के वो होती हैं, वो हैं ही हैं। जैसे स्क्रीन ऑटोमेटिक इसमें रिफ़्रेश होती है, या कई बार अब आप क्लिक कुछ करना चाहते हैं, आपके सामने वो आ कुछ और जाता है, तो ये इस तरह की दिक्कतें इसमें हैं छोटी मोटी, लेकिन मैं फिर भी उनको जैसे तैसे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। और इस मोटो E4 प्लस फ़ोन की उस समय मेरे ख़रीदने के लिए दो बड़ी बड़ी खासियतें थी दोस्तों। मैंने इसको क्यों ख़रीदा था 2017 में, जितना भी रिसर्च किया था, एक तो बहुत मेरे बजट में था, केवल 10,000 में 9,999 रुपये में ये था। दूसरा, इसकी बैटरी बहुत अच्छी थी 5000 mAh की, और उस समय हाईएस्ट बैटरी जो थी वो 5000 mAh ही हुआ करती थी। उसके बाद में इसमें एक डॉल्बी एटमॉस्फेयर का भी ऑप्शन हुआ करता था, यानी डॉल्बी का मतलब ये है कि वैसे इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर है, लेकिन उसको अगर आप ऑन कर दें तो कुछ ऐप को छोड़ करके आपका सारा का सारा साउंड जस्ट डबल हो जाता है, और ये बड़ा बेनिफिशियल है। मतलब वॉल्यूम इसका अगर डॉल्बी को ऑफ़ कर दो तो आपको लगेगा वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, लेकिन डॉल्बी को ऑन करते आपको लगेगा कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसका फ़ोन का। और ये फ़ोन आज भी चल रहा है, सारे के सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, बॉडी में कहीं कोई डैमेज नहीं है, ना कोई स्क्रीन टूटी, ना कुछ और गिरा भी है फ़ोन कई बार, सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हमारा गैलेक्सी M30s जो कि मुझे बहुत प्यारा था, उस पर स्क्रीन पर, जबकि एमोलेड स्क्रीन थी उसमें, कई सारे स्क्रैचेस भी लगे, कई जगह से ऊपर का जो ग्लास होता है वो टूटा भी है, लेकिन हालांकि फ़ोन चल रहा था और फ़ोन अब थोड़ा सा स्लो भी हो चला था। और जब हमने ख़रीदा था तो वो एंड्रॉयड 9 पर था, फिर 10 का अपडेट मिला, 11 का अपडेट मिला, सिक्योरिटी अपडेट भी लेटेस्ट उसमें जून वाला आ चुका था, तो सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, मतलब आई वॉज सेटिस्फाइड एक्चुअली, मुझे कोई कंप्लेन नहीं थी। लेकिन वही बात है दोस्तों, कहते हैं ना मुसीबत जब आती है तो एक साथ आती है वाला मामला है। ऐसे ही मैंने लेनोवो YP1 जो 2016 में ख़रीदा था दोस्तों, मई 2016 में, वो फ़ोन भी आज तक चल रहा है। उसकी बॉडी कुछ जगह से टूट गई है, उसमें कुछ वॉल्यूम के और पावर के बटन ज़रूर ख़राब हो गए हैं, लेकिन वो मेरी बेटी के खिलौने के रूप में आज भी चलता है, गेम्स उसमें चलते हैं, वो गेम खेल लेती है उसमें। तो अब ये बात होती है ना कहीं बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, जैसे अब कहा जाता है ना मारुति की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन माइलेज देखो, सारी चीज़ें देखो, इंजन देखो, इंजन का रिफाइनमेंट देखो, ये सब में मारुति नंबर वन, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉस्ट कटिंग की जाती है, समझौता किया जाता है, और वही वाला केस सैमसंग के मामले में मुझे नज़र आया। सब कुछ अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, फीचर्स वाइज भी अच्छा है, और कस्टमाइजेशन भी अच्छा है सैमसंग का अपना, मतलब उसको स्टॉक एंड्रॉयड तो आप कह ही नहीं सकते, खैर उनका जो कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कॉस्ट कटिंग, और ख़ासकर अच्छा इस दौरान मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इस बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे जो जिस रिपेयरर के पास मैं गया था उसने मुझे ये भी समझाया कि सर सैमसंग का अगर फ़ोन लेना है तो M सीरीज़ नहीं लेनी चाहिए, और F सीरीज़ जो आजकल आ रही है वो भी नहीं लेनी चाहिए। टू बी फ्रैंक उसने मुझे ये दो बातें कही कि M सीरीज़, F, जैसे M सीरीज़ के तो बहुत सारे फ़ोन आ गए हैं, M30s सबसे पहला फ़ोन था शायद, मतलब नहीं M30s पहला तो नहीं था, लेकिन हाँ 6000 mAh की बैटरी के साथ पहला फ़ोन था उस समय, और उसके बाद M31 आ गया, M31s आ गया, और पता नहीं कौन कौन से, अभी M32 भी चल रहा है लेटेस्ट, M42 भी चल रहा है, और M52 भी आने वाला है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त उसमें मतलब उसमें सैमसंग जो है वो पैक करके देने वाला है चीज़ों को, तो देखते हैं। वो 5G होगा, हालांकि उसका वेट किया जा रहा है बेसब्री से। तो उसने मुझे कहा जो F सीरीज़ है और M सीरीज़ है, F सीरीज़ में आपको पता है F41 पहला फ़ोन था, फिर F62 आया, और उसके बाद में अभी तो F22 भी आ रहा है, जो अभी इन दिनों
जो क्या बोलते हैं उसको इंट्रोडक्टरी प्राइस पर मिल रहा है, जो बेस वेरिएंट है उसका, वो 11,500 रुपये में मिल रहा है मात्र। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस बीच में आपको ये बता दूं कि फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही थी जो कि 13 जुलाई को समाप्त हुई है, और अमेज़ोन पर 26 जुलाई से सेल आने वाली है, 27 जुलाई को आई थिंक, तो जिस पर भी आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेंगे, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। खैर, तो अपने पॉइंट पर आते हैं। उसने मुझे कहा एम और एफ़ को नहीं लेना है, और ए सीरीज़ या फिर फ्लैगशिप फ़ोन ले सकते हैं। अब फ्लैगशिप कौन से होते हैं, जैसे ये S10, S20, S21 या S21 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा, इस तरह के जो फ़ोन हैं ये, जो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप समझ लीजिए 40,000 के ऊपर वाले फ़ोन जो है वो सारे फ्लैगशिप फ़ोन हैं। तो अब इतना बजट तो हर किसी का होता नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है ना, तो हम उसमें तो नहीं जा सकते। लेकिन उसने कहा ए सीरीज़ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि ए सीरीज़ का भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी A52 फ़ोन अगर आप देखें, स्टीरियो स्पीकर्स है और काफ़ी अच्छा उसमें प्रोसेसर भी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका शायद बेस वेरियंट ही 26,000 से शुरू है मेरे ख्याल से, तो 2629 या 26 या 28 ऐसा कुछ है उसकी कीमत। तो ये चीज़ें हैं A52, A72 और अभी ए सीरीज़ के आगे जितने भी फ़ोन आने वाले हैं, तो ये एक है कि अब A52 5G भी आने वाला है, तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है, लेकिन वही 25,000 से ऊपर ही होगा वो। तो कुल मिला करके आप इसी से समझ जाइए कि M सीरीज़ और F सीरीज़ के फ़ोन काफ़ी बजट में होते हैं, तो इसका मतलब सैमसंग यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करता है, लेकिन ए सीरीज़ के फ़ोन या फिर फ्लैगशिप फ़ोन जितने भी हैं वो थोड़े से हायर रेंज में होते हैं, इसका मतलब उनमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं की जाती। अब ये मोटो का फ़ोन मात्र 9,999 रुपये का आज तक चल रहा है, कहीं से कुछ भी इसका नहीं बिगड़ा है, कभी इस फ़ोन को मतलब दिखाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी, बंद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो बात है अलग है कि अब ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का फ़ोन है और इसमें कभी अपडेट भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये फ़ोन जैसा था वैसा है आज भी, ऐसा कह सकता हूँ मैं। मेरा एक फ़ोन एंड्रॉयड में जब से मैं आया हूँ, इंटेक्स का फ़ोन ज़रूर ख़राब हुआ था, उसकी खासियत ये थी कि उसमें क्वालिटी कीबोर्ड था, तो वो मैंने इसलिए लिया था। बाकी लेनोवो का भी मैंने इसलिए लिया था कि उसमें 5000 mAh की बैटरी थी। तो अब इन सब बातों से आप लोग कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आई एम श्योर, मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे ये सब बातें कई बार पहले भी हो चुकी हैं, घूम फिर करके आज भी हो रही है, लेकिन बस बात वही है ना कि अनुभव से आप लोग भी कुछ इसमें सीख सकें। आप लोगों को सबको ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की, फ़ोन चेंज भी करना पड़ता है, फ़ोन लेना भी पड़ता है, अभी हमारे बहुत सारे साथी परेशान हो रहे थे फ़ोन लेने के लिए, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता है कि अब आते हैं इस पॉइंट पर कि मैंने इतने दिनों में नया फ़ोन क्यों नहीं लिया। तो एक तो रीज़न मैं बता चुका हूँ, डेटा जो मुझे निकालना है इस वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि एक तो मैं पहले भी ये सोच रहा था जब ये फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था सैमसंग वाला, तब भी कि यार जैसे तैसे मैं अक्टूबर तक टाइम निकालूंगा, और अक्टूबर में जब ये फ़्लिपकार्ट और अमेज़न की जो साल की सबसे बड़ी सेल आती है, देखिए भाई सीधी सी बात है हम लोगों के लिए तो ये सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। आप लोग भी आई एम श्योर ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होंगे जो देखना चाहेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास हमेशा बजट रहता है और वो जब मर्जी हो जब जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि उस समय फ़ोन चेंज करेंगे, तो अब लेकिन दिक्कत ये हो गई, फ़ोन तो पहले ही बंद हो गया। अभी मैं मोटो का फ़ोन जैसे तैसे चला रहा हूँ, हालाँकि ये मैंने कहा ना ठीक चल रहा है, साइटेड व्यक्ति तो बड़े आराम से इसको चला सकता है, और आज भी मैं फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक किया इसको, तो मेरे को 2800 रुपये वो उसके रिटर्न कर रहे हैं, यानी इसकी जो कीमत लगाई है फ्लिपकार्ट वालों ने वो 2800 रुपीज़ लगाई है। तो 4 साल में 7,000 मतलब खर्च करके और 2800 रुपये वसूल भी हो रहे हैं 10,000 खर्च करने के बाद, तो दिक्कत कहाँ है उसमें, अच्छी बात है ना ये। तो अब साहब अभी भी मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मैं जैसे तैसे इस फ़ोन को धक्का देता रहूँ, चलाऊँ चलाऊँ चलाऊँ,
और उसके बाद में फिर मैं नया फ़ोन ख़रीदूँ जैसे ही मुझे थोड़े बहुत ऑफ़र्स मिल जाएं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक फ़ोन मुझे पसंद आया, Realme X7 Max। इसमें MediaTek का प्रोसेसर है, Dimensity 1200। लेकिन अब पता नहीं क्यों एक ऐसी सोच बन गई है, सैमसंग में चला रहा था तो Exynos 9611 था, तो अब ये जो है ना इनसे विश्वास उठ गया है। अब मन ऐसा कर रहा है कि Snapdragon में जाने की इच्छा है, एक बार उसको यूज़ करके देखा जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो Realme X7 Max 256 GB वाला मैं लेना चाह रहा था, वो 30,000 का पड़ रहा था, ले भी लेता। लेकिन उसके रिव्यूज़ देखे तो पता चला कि उसको जब हाथ में लेते हैं तो ऐसा फील आता है मान लो 15-16 हज़ार का ही फ़ोन हो रियलमी का। मैंने कहा यार इतने पैसे खर्च करके फिर ऐसा ही फ़ोन मिल रहा है जो जिसमें भी कॉस्ट कटिंग वगैरह की गई है। हालांकि 3 साल पूरे होने पर उस फ़ोन को लॉन्च किया बड़े ज़ोर शोर से रियलमी ने, उसके साथ में मतलब कुछ और ऑफर्स वगैरह भी रियलमी दे रहा था। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन बस पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को रोक करके रखा है। अब साहब इस सब रिसर्च करते करते मुझे एक रेडमी नोट 10 प्रो फ़ोन पसंद आया, क्योंकि वो भी अपने बजट में हो सकता था 18-19 हज़ार में, लेकिन 128 GB वाला। लेकिन वही बात है, फिर रिव्यू वगैरह देखे तो पता चला कि रेडमी के फ़ोन्स में एड्स बहुत आते हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि एड्स किस तरह के, नोटिफिकेशन में एड्स आते हैं तो क्या हम उन एड्स को ऑफ़ नहीं कर सकते, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं रेडमी का फ़ोन ले लूँ। अच्छा, रियलमी का फ़ोन तो 5G भी था, रेडमी नोट 10 प्रो 5G नहीं था, 4G था। अब ये भी एक दुविधा है, अभी अब अगर इस दौरान फ़ोन लें तो 5G लें या फिर जो 4G हैं वही फ़ोन लें, क्योंकि 5G इंडिया में पता नहीं कब आएगा और हो सकता है जल्दी आ भी जाए ना भी आए, दोनों बातें हैं। लेकिन एक दुविधा मन में, एक ये भी कारण था इस वजह से मैं फ़ोन अभी तक मिस नहीं कर पाया। ये सारा रिसर्च करते करते दोस्तों एक फ़ोन मुझे जो पसंद आया वो था मोटो G40 फ्यूजन, मोटरोला का फ़ोन। उसके पीछे एक तो सीधा सा कारण ये था कि मेरा मोटो E4 प्लस फ़ोन चल रहा है, तो मेरा भरोसा कहीं ना कहीं एक दिल से आवाज़ आई कि यार मोटो का फ़ोन ही लेना चाहिए। तो मोटो G40 फ्यूजन मुझे फ़ोन पसंद आया, जो कि 16,500 का था, 128 GB वाला वेरिएंट। और अभी मोटो ने दो फ़ोन लॉन्च किए थे, मोटो G60 और मोटो G40 फ्यूजन। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर लिया क्यों नहीं, तो ये मैं बताता हूँ कि उसका कारण है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है HDFC का भी, मेरे पास SBI का भी है, लेकिन दोनों में लिमिट कम थी, यानी दोनों में काफ़ी पहले से ही परचेजिंग कर रखी थी, तो अभी उसमें इतना अमाउंट नहीं था कि मैं फ़ोन ख़रीद सकूं। तीसरा, मुझे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं मिला कहीं भी किसी भी उसमें। चौथा ये कि बजाज फिनसर्व का कार्ड भी है मेरे पास, मैं उससे ख़रीदना चाहता था, लेकिन मोटो के फ़ोन्स पर बजाज का ऑफ़र नहीं है, रियलमी के फ़ोन पर ऑफ़र था, लेकिन रियलमी का फ़ोन ख़रीदने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। और मोटो का फ़ोन मुझे बहुत पसंद आ गया, मोटो G40 फ्यूजन। अब मैं इस भी आऊँगा कि मेरे पसंद के पैमाने क्या क्या, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो फ़िलहाल ये बात कर लेते हैं। मोटो G40 फ्यूजन अभी भी मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर बजाज कार्ड से वो मिल जाए तो, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, अमेज़ॉन पे तो वह अवेलेबल ही नहीं है मोटो के फ़ोन, ये फ्लिपकार्ट पर ही हैं फ़िलहाल आज की तारीख में, आगे होंगे पता नहीं। अब ऐसे में उस फ़ोन में मतलब प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और उसके अलावा उसकी बैटरी बहुत अच्छी है 6000 mAh की, ये मुझे नहीं पता डॉल्बी एटमॉस है या नहीं, लेकिन सिंगल स्पीकर है। अब मेरे पैरामीटर्स जो थे इनमें, रियलमी X7 मैक्स में दोस्तों क्या था कि स्टीरियो स्पीकर्स थे जो मुझे चाहिए, और मेमोरी अच्छी चाहिए थी तो वो भी 128 और 256 है, जो चाहो वो ले लो। दिक्कत कहाँ आई कि उसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले है, यानी स्क्रीन पर है। अब वो उसमें आप अगर ग्लास लगवाओ और बीच में गैप रखवाओ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कहाँ पर है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना पड़े। मुझे कुल मिला करके जो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फिज़िकल चाहिए, जैसे कि सैमसंग में था, पीछे की तरफ था, आराम से आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इस तरह का चाहिए। या ये मेरा मोटो E4 प्लस जो फ़ोन है इसमें भी
फिज़िकल स्कैनर है, डिस्प्ले के अंदर नहीं है। उस समय तो अलग ही है, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी 2017 में। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं दोस्तों। अब पसंद करने के लिए मुझे आजकल ये समझ में आया इतने फ़ोन इस्तेमाल करने के बाद कि यार फ़ोन का वॉल्यूम बहुत तेज़ होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए अपने केस में, क्योंकि ज़्यादा देर आप फ़ोन को हाथ में अगर रखोगे दोस्तों तो आपको हल्का सा भारीपन फील होता है, आपको दर्द महसूस होगा और ये लॉन्ग टर्म यूज़ में हानिकारक है। तो आप चाहते हैं आप फ़ोन ऊपर के पॉकेट में रख दें अगर आप कुछ सुन रहे हो और फ़ोन चलता रहे, सुनाता रहे, तो वो जो है वो उसमें पॉसिबल है। तो एक तो मैं चाहता हूँ स्टीरियो स्पीकर्स, दूसरा मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर का बताया, तीसरा एक चीज़ और कि अगर फ़ोन लेना है, अब जब ये सारी दिक्कतें हो गई तो कस्टमाइज्ड की जगह स्टॉक एंड्रॉयड में जाना चाहिए। अब स्टॉक एंड्रॉयड तो मोटरोला तो देता ही है, सारे अपने फ़ोन से स्टॉक एंड्रॉयड ही देता है, थोड़ा सा उनका अपना कुछ है, वो भी एक्चुअली शॉर्टकट्स होते हैं कुछ जिसको वो देते हैं स्पेशल डिज़ाइन करके। तो ये वाली बात है, इसलिए मोटो 40 फ्यूजन और ये सब फ़ोन मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन बजाज कार्ड पर काश ये मिल गए होते तो मैंने ऑर्डर कर दिए होते और अब तक मैंने फ़ोन ले लिए होते। लेकिन मोटो जी 40 फ्यूजन में सिंगल स्पीकर है, फिर भी मैं सोच रहा था चलो ले लेते हैं, देखा जाएगा यार जो भी होगा। वो मोटो आपका G60 और G40 में बस अंतर सिर्फ इतना था कि G60 में कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और G40 में 64 मेगापिक्सल का है, और जो सेल्फी कैमरा है यानी सामने वाला फ्रंट कैमरा वो G60 में 32 मेगापिक्सल का है और G40 फ्यूजन में 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरे की अभी इतनी ज़्यादा अपन को ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये सारे कारण थे कि इस फ़ोन को मैं पसंद कर रहा था। बस इसमें कमी एक थी, जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए वो मिल रही थी, बस दो कमी थी इसमें, जिसमें भी एक कमी को तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जैसे 5G वाली जो कमी है उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, अपना काम 4G से चल रहा है फ़िलहाल। और जो बड़ी कमी थी मेजर, हालांकि मैं उसको भी अफोर्ड कर रहा था, उसको भी मैं इग्नोर ही कर रहा था, वो थी स्टीरियो स्पीकर्स की यानी डबल स्पीकर की। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग भी अपनी पसंद नापसंद को थोड़ा सा रिसर्च करके डिज़ाइन कीजिए। मेरा ये सारी कहानी सुनाने के पीछे मंतव्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग जो भी डिसाइड करें वो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, मैंने पहले भी बहुत बारी कहा ये, और आप चाहते क्या हैं वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बजट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और अभी भी अगर मुझे इस जुलाई महीने में भी, हो सकता है जुलाई निकल गया और थोड़ा और समय बीतता गया तो मैं शायद बिग बिलियन डे का वेट करूँगा या ग्रेट इंडियन सेल का वेट करूँगा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो अमेज़ॉन और उस पर आती है, लेकिन बिग बिलियन तो फ्लिपकार्ट पे आती है, साल की सबसे बड़ी सेल होती है। और इनफैक्ट उसी सेल में मैंने सैमसंग गैलेक्सी M30S भी लिया था। बाकी अब ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होएगी, अगर होती रही तो मैं शायद आने वाले समय में डिसीज़न ले लूँ। और कुछ और फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, एक मोटो एज 20 प्लस के नाम से एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है वो 870 है, तो वो नियर अबाउट फ्लैगशिप ही है, तो मैं उसका भी वेट करने लग गया हूँ। आजकल मोटो का ही फ़ोन है। अब उसमें दिक्कत क्या है, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन तीन दिक्कतें हैं उसमें, जिसमें से दो को तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तीसरी दिक्कत मेरे लिए बड़ी है। पहली तो ये कि जो स्कैनर फिंगरप्रिंट है वो पावर बटन में है, तो चलो उसको चला सकते हैं काम, हालांकि मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन चला सकते हैं एक बार को। दूसरा ये कि स्पीकर उसमें एक है, वो भी चलो एक बार को चला सकते हैं काम, लेकिन सबसे बड़ी कमी उसमें बैटरी कम है, क्योंकि फ़ोन में प्रोसेसर इतना बड़ा दे दिया तो उन्होंने बैटरी में कॉस्ट कटिंग कर दी, बैटरी कम कर दी 4500 mAh की। क्या हुआ, 4500 mAh की, हाँ आ रहा हूँ, 4500 mAh की बैटरी है। तो ये है, बाकी कुछ और फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। Redmi Note 10 5G भी 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 20 जुलाई को,
कल ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ आ रही है, हालांकि वो तो बड़ा महंगा फ़ोन है, अपने बस का नहीं है, फिर भी उसके बाद जुलाई एंड तक शायद कुछ और फ़ोन आ जाए। हाँ, इस सब में एक बात ये भी निकल करके आई दोस्तों कि अब अभी थोड़ा सा फ़िलहाल ना सैमसंग पे से भरोसा उठ गया है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा अब सैमसंग का फ़ोन लेने का। फ़िलहाल मैं सोचता हूँ किसी और कंपनी में जाया जाए, इसीलिए इतना सारा हैवी यूसेज है, इतने सारे काम हैं, जितनी देर मैं जागता हूँ उतनी देर फ़ोन हाथ में रहता है, तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में फ़ोन भी अब थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। लेकिन सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बजट देखना पड़ता है और बजट के साथ साथ फ़ीचर्स देखने पड़ते हैं कि आपको फ़ीचर्स कौन से पसंद हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, कौन से फ़ीचर्स आपके लिए। अभी मैंने पिछले दिनों एक हमारी जूम मीटिंग में एक व्यक्ति को देखा, वो मोटो 1 पावर फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उस फ़ोन से बड़ी ज़बरदस्त वॉइस आ रही थी उनकी। तो एक ये भी रीज़न था दोस्तों कि मुझे मोटो के फ़ोन पे अचानक वापस से भरोसा हो चला है। बाकी आज से पहले मैंने जितने भी फ़ोन ख़रीदे कभी भी मैंने प्रोसेसर वगैरह के बारे में सीरियसली नहीं सोचा, प्रोसेसर को कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन अब इतने सालों से एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब 2014 से मैं चला रहा हूँ, जून 2014 से लगभग 7 साल हो गए, 7 सालों से फ़ोन चलाते चलाते एक चीज़ समझ में आई है कि प्रोसेसर बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। और उसमें भी सबसे नंबर वन पे मैंने अभी तक जिसको सुना है, जिसके बारे में समझा है, वो स्नैपड्रैगन है। तो एक बार इरादा है कि स्नैपड्रैगन भी इस्तेमाल करके देख लिया जाए। आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे अलग अलग प्रोसेसर, जैसे ये मोटो के फ़ोन में मीडियाटेक का 637 ऐसे करके कुछ पता नहीं था प्रोसेसर था, लिनोवो वाले में कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है। मोटो में रैम 3 GB है और फ़ोन मेमोरी 32 GB है, लिनोवो में भी ऐसा ही था 3 GB और 32 GB, बाकी मुझे प्रोसेसर मैंने कहा ना याद नहीं है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार स्नैपड्रैगन लिया जाए। मोटो वाले फ़ोन में 732 था प्रोसेसर, जो मोटो G40 फ्यूजन और G60 में 732, तो वो भी बड़ा अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। वही सेम प्रोसेसर रेडमी नोट 10 प्रो में भी है। मैंने कहा कि रेडमी नोट 10 प्रो में स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पावर बटन पे है, सब कुछ अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है और सब कुछ अच्छा है। बैटरी भी 5000 से ऊपर की है, 5000 शायद 20 की है, 5020 mAh की बैटरी है। लेकिन दिक्कत वही है कि जो मी UI है, खासकर उनका जो मी UI जिस पे ये फ़ोन चलते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे अच्छा। एक चीज़ और उसमें बड़ी दिक्कत वाली लगी मुझे रेडमी के फ़ोन्स में, जो मैंने रिव्यू में ही सुना, खुद का मेरा अपना वो अनुभव नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे उसके अपडेट्स आते हैं वैसे वैसे वो और ख़राब होते जाते हैं फ़ोन, जबकि होना उल्टा चाहिए ना, अपडेट्स के साथ साथ तो फ़ोन अच्छा होना चाहिए, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। तो ये सब कारण है दोस्तों, इसलिए बड़ा अजीब है डिसीज़न लेना। बहरहाल आप सब बताइएगा कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा, हो सकता है शायद मेरी रिक्वायरमेंट्स तो मैंने आपको बताई दी, स्टीरियो स्पीकर्स, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, और तो क्या दोस्तों, बस यही सब कुछ है। अगर आपको भी कोई फ़ोन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि शायद आपकी सलाह मेरे काम आ जाए। बहरहाल आज का ये एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप का पार्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, मेरे अपने अनुभव थे जो आप सबके साथ साझा किए मैंने। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, थैंक यू।